हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना है मोटर के स्टार्टर और प्रोटेक्शंस के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वायरिंग आरेख क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, वायरिंग आरेख को पढ़ने से पहले आपको सिम्बल्स आने चाहिए। अगर आपको सिम्बल का पता नहीं है या सिम्बल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वायरिंग आरेख जो है वो नहीं पढ़ पाओगे या ठीक से नहीं जान पाओगे। तो आज का हमारा सेशन है 29 यानी कि 29 नंबर का, और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सर्किट और वायरिंग डायग्राम। सर्किट और वायरिंग डायग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में। इस सत्र को पूरा करने के बाद में आप सर्किट आरेख के बारे में वर्णन करना सीख जाएंगे और वायरिंग आरेख क्या होता है इसके बारे में आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सर्किट आरेख सबसे पहले आता है। सर्किट आरेख क्या होता है। सर्किट आरेख है कि जो विद्युत उपकरण और सहायक उपकरणों के सर्किट को दर्शाता है, यानी कि विद्युत उपकरण का सर्किट हुआ और सहायक उपकरणों के सर्किट होते हैं उनको दिखाता है, उनको बताता है या उनकी प्रेजेंटेशन देता है कि हमारे ये चीज़ें यहाँ लगनी है, ये चीज़ें यहाँ लगेगी, ये चीज़ें इसमें यहाँ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें। इस आरेख में विद्युत सर्किट के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, यानी कि जो सर्किट आरेख होता है उसके अंदर विद्युत सर्किट के जितने भी भाग होते हैं, बल्ब हुआ, स्विच हुआ, सॉकेट हुआ, वो सारे के सारे उस सर्किट के अंदर दिखाए होते हैं। भागों को एक निश्चित क्रम में दर्शाया जाता है और विभिन्न संभावित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। एक सर्किट आरेख का एक नुकसान यह है कि यदि इसमें एक से अधिक लोड होते हैं तो आरेख को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एक लोड होता है तो बिल्कुल सिंपल सर्किट होता है, और एक से अधिक लोड होता है तो उसे समझना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक सर्किट आरेख का उद्देश्य एक सर्किट के डिजाइन की कल्पना करना है। इस तरह के आरेख विद्युत उपकरणों के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। अब आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर दो लोड हैं। देखेंगे हम इसको कैसे पढ़ते हैं या इसको कैसे पढ़ना चाहिए, हमें देख करके कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आपके सामने एक सर्किट आरेख है, सर्किट वायरिंग आरेख है, जिसके अंदर आपको दो लोड लगाए हुए हैं जिसके साथ में इसे कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं पी और एन पे। पी और एन का मतलब क्या होता है। पी का मतलब है फेज और एन का मतलब है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के वायर को हम सबसे पहले लेते हैं, फेज वाले वायर को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल एन वाले वायर को हम देखेंगे। एन वाला वायर जो है डायरेक्ट बल्ब में कनेक्टेड है। ये वाला जो सिंबल है ऊपर क्रॉस का, ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब का यानी लैंप का। हम इस लैंप से इस न्यूट्रल को यहाँ से लूप करके और इधर सीलिंग फैन में दिखाया गया है। ये जो आठ बना हुआ है तिरछा, ये पंखे का सिंबल है, यानी कि फैन का सिंबल है। फैन का सिंबल इस प्रकार होता है कि उल्टा आठ दिखाई देता है। ये इस प्रकार के सिंबल फैन यानी पंखे के सिंबल्स होते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रल जो है यहाँ से बल्ब में दिया और बल्ब में से फैन में दिया, न्यूट्रल का कार्य जो है यहीं ख़त्म हो गया है, क्योंकि न्यूट्रल का जो वायर है वो यहाँ से बल्ब में और बल्ब में से पंखे में दिया हुआ है। यानी कि न्यूट्रल का वायर जो है वो हमने समझ लिया है बिल्कुल आसान भाषा में, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अब आता है फेज का वायर। फेज का वायर को हमने दिया यहाँ पे, ये जो गोल गोल बना हुआ है ये स्विच बोर्ड है दोस्तों, स्विच बोर्ड में दिया हुआ है। स्विच बोर्ड में से यहाँ स्विच लगे हुए हैं और स्विच की सहायता से ये बल्ब में दिया हुआ है, यानी कि स्विच से हम बल्ब को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। फिर फेज के नीचे इनपुट में से ही ये पंखे के दूसरे स्विच में दिया हुआ है नीचे की तरफ, जो स्विच से पंखे के रेगुलेटर में दिया है। ये जो वाला ऊपर का सिंबल है ये रेगुलेटर का है, और रेगुलेटर में से फिर ये जा रहा है ऊपर पंखे में। यानी कि हमारा जो ये परिपथ है एक बल्ब और एक पंखे का सर्किट डायग्राम है,
कि इसके अंदर स्विच लगे हुए हैं, रेगुलेटर लगा हुआ है, वायर यूज़ करे गए हैं, बल्ब का सिंबल इसके अंदर यूज़ किया है और पंखे का सिंबल इसमें यूज़ किया है, रेगुलेटर का सिंबल इसमें यूज़ किया है। तो दोस्तों अगर आपको सिंबल्स आते हैं, सिंबल का आपको पहचानना आता है, तो आप इस वायरिंग आरे को आसानी से पढ़ पाओगे। देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं होती है, केवल सिंबल्स ही बने होते हैं। कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, केवल सिंबल्स ही आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दोनों वायर आपस में फेज स्विच की सहायता से बल्ब और पंखे में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पंखा और एक लैंप लगा हुआ है जो फेज और न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। अब आता है वायरिंग का नक्शा। वायरिंग का नक्शा कैसे होता है? एक आरेख जो विद्युत सर्किट की वायरिंग प्रणाली को दर्शाता है, यह वायरिंग आरेख कहलाता है। इस प्रकार के आरेख में सर्किट के तार के पथ में उपयोग किए जाने वाले सामान और उपकरणों के सभी विवरणों को दर्शाया गया है। एक वायरिंग आरेख विभिन्न टर्मिनल और उनके जंक्शनों पर पाए जाने वाले केबलों और तारों की संख्या को भी दर्शाता है। एक वायरिंग आरेख का उद्देश्य समस्याओं का निवारण करना और आरेख यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी कनेक्शंस बना दिए गए हैं और सब कुछ मौजूद है और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक वायरिंग आरेख दर्शाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक वायरिंग आरेख जो है, एक इधर की साइड में जो है राइट साइड, वो एक ही लाइन पर सारे के सारे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ही तार से। ये जो एक तार पर जुड़े हुए सारे उपकरण दिखाए हुए हैं, इसका मतलब है इस आरेख को हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, कि सिंगल लाइन डायग्राम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLD। SLD का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। हम एक ही लाइन से सारी चीज़ें दिखा देते हैं। अब देखेंगे आप, सबसे पहले हम जो बाई और सर्किट बना हुआ है, वायरिंग आरेख बना हुआ है, तो इसके अंदर फेज और न्यूट्रल लगे हुए हैं और इसके अंदर फेज और न्यूट्रल जो जुड़े हुए हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे एक सॉकेट्स के अंदर इसकी इनपुट सप्लाई जा रही है। सॉकेट के अंदर से आप देखेंगे यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है, जो ये इधर से पंखे के अंदर जा रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है और एक लैंप भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है और एक पंखा भी लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे न्यूट्रल जो है, यहाँ से न्यूट्रल आया बल्ब के अंदर, बल्ब में से फिर इस न्यूट्रल को दे दिया पंखे के अंदर, और फेज का जो वायर है उसको हम दे दिया स्विच के अंदर, स्विच में से बल्ब में गया एक वायर और एक वायर पंखे के अंदर होकर के रेगुलेटर में होकर के पंखे में पहुंच गया। अब हम इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन के ऊपर दो रेखाएं हमने खींच दी, यानी कि ये है कि यहाँ से दो वायर आ रहे हैं, नीचे की तरफ जो गहरे कलर की रेखा है उस पर तीन वायर आ रहे हैं, तो तीन ऐसे डंडे हमने उसके बीच में खींचे हुए हैं कि यानी कि तीन तार उसके अंदर जुड़े हुए हैं, और स्विच बोर्ड का हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। स्विच बोर्ड के ये डायग्राम इस प्रकार बनते हैं। उसके बाद में उसके आगे की जो रेखा है उस पर तीन रेखाएं खींची है, कि इसका मतलब है कि तीन वायर यहाँ से गुजर रहे हैं। बल्ब के अंदर देखेंगे तो तीन वायर यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तीन वायर नीचे की तरफ बल्ब में जा रहे हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे बल्ब के अंदर तीन वायर ही जा रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल वाला एक बल्ब में जा रहा है और वापस फिर पंखे में जा रहा है। आगे पंखे के अंदर दो ही वायर जा रहे हैं, दो रेखाएँ खींची हुई है। तो इस प्रकार के डायग्राम्स होते हैं, वो सिंगल लाइन डायग्राम कहलाते हैं, जो केवल एक रेखा पर दर्शाए गए हैं। दोस्तों वायरिंग का नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही सीखा कि वायरिंग क्या होती है, वायरिंग के नक्शे कैसे पढ़े जाते हैं, और अगर हमें सिंबल्स का ज्ञान नहीं है तो हम ये नक्शे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वायरिंग के नक्शा क्या होता है और सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।
ऐसे ही आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।